दोस्तों हो गई है सुबह, सोकर उठ गए हैं और कैमरा बैठ करके आपको नज़ारा दिखाता हूँ। अब हो गई प्रॉपर मॉर्निंग और ये है सामने का व्यू। नीचू ये रोड जा रही है, एक दूरी पे माउंटेन है, ये हमारे पीछे का व्यू है। तो दोस्तों पहुंच गए कैची धाम और ये हम पार्किंग में खड़े हुए हैं और अब हम बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। यही है मेन कैची धाम, बाबा नीम करोड़ी मंदिर की पार्किंग और अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ये है काकड़ी धाम। तो दोस्तों कैची धाम के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल आए थे मुक्तेश्वर की तरफ और अभी इस पॉइंट पे रुककर हम लोग यहाँ पर मैगी खा रहे हैं। पहाड़ों पे आए और मैगी नहीं खाई तो फिर क्या पहाड़ों पे आए। और ये वही पॉइंट है जहाँ अभी 20 दिन पहले हम लोग आए थे और यहीं रुककर हमने एक वीडियो भी बनाई थी। और भाई बियर गिल्ले आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, सिर्फ आप ही हो जो कर सकते हो, आओ। ये मैगी ब्रेक के बाद हम लोग बढ़ चले हैं मुक्तेश्वर की तरफ और अभी भी यहाँ से 30 किलोमीटर करीब दिखा रहा है मुक्तेश्वर। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। आज दोस्तों मौसम बहुत ही अलग नज़ारे दिखा रहा है, खिली हुई धूप है, अलग टाइप के बादल हैं एंड बहुत ही सुकून भरा ये रोड है। भीड़ बिल्कुल नहीं है इस रोड पर, हमेशा की तरह मुक्तेश्वर वाली रोड सबसे अमेजिंग है एंड मज़ा बहुत आ रहा है पूरी राइड में, ड्राइव में। यार इस बार ना हमें दूरी पर ना बादल दिखाई दे रहे हैं तो मुश्किल ही है कि हिमालय के जो ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं मुक्तेश्वर से उनका व्यू मिल सके। अभी ना दूर थोड़ी धुंध दिखाई दे रही है, आपको एक पॉइंट पे जहाँ भी रुकेंगे आपको दिखाता हूँ मैं, धुंध दिखाई दे रही है। नहीं दीपू धुंध है, नहीं दिख रहा है वो, तो उस दिन हम लकी थे जो हमें दिख गए। एक हाथ पेड़ की टहनी ऐसे निकली रहती है भाई, यहाँ सेफ नहीं है। कोई टेंशन नहीं,
में तुम निकल जाओ, कोई टेंशन नहीं है। अरे दीपक धुंध करवा रखी यार तुमने आज। अभी वहाँ ऊपर पहुँच के क्लियर करवा ये कैफे अच्छा है, चले क्या फ्रेश कॉफी सैंडविच। तो दोस्तों फाइनली ये सुंदर सा कैफ़े मिला है जिसके हम रूफ टॉप पर हैं, यहाँ से आ रहा है गज़ब का नज़ारा और हम यहाँ रुक कर करने वाले अपना ब्रेकफास्ट। एक बार आपको नज़ारा दिखा देता हूँ भाई, लाजवाब है नज़ारा, मौज करती भैया। पहुंच गए फिर से मुक्तेश्वर, जीरो पॉइंट और चौली की जाली का ये रास्ता जा रहा है। अभी व्यू साफ नहीं है, उन्होंने साफ मना कर दिया, इसलिए अभी हमने टिकट भी नहीं लिया और उस साइड हम जा नहीं रहे, मंदिर चलते हैं पहले। तो दोस्तों आ गए हैं मंदिर के एंट्रेंस पे, महादेव टेंपल है ये, मुक्तेश्वर महादेव टेंपल। थोड़ी इसकी हिस्ट्री भी आज जानेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी एक हिस्ट्री मेंशन्ड है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं और इधर कोऑर्डिनेट्स भी लिखे हुए हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा ऊपर चढ़ के यहाँ पर रेस्ट लिया है, थक गए थे क्योंकि हाइट ज़्यादा है और ऑक्सीजन थोड़ा यहाँ कम है। तो अब चलते हैं महादेव टेंपल की तरफ। हम खड़े हुए हैं मुक्तेश्वर के सबसे ऊंचे पॉइंट पे, यहाँ से पूरा उत्तराखंड दिखाई देता है, इससे ऊंचा कोई पॉइंट आपको यहाँ से दिखेगा ही नहीं। सबसे ऊंचा ये पहाड़ है, 7,500 या 8,000 फुट की हाइट पर हैं हम लोग अभी। ये है मुक्तेश्वर की फेमस चौली की जाली, आपने बहुत बार सुना होगा, देखा होगा इसके बारे में। वापस से दोस्तों नीचे की तरफ आ गए हैं और अब हम बढ़ रहे हैं वापस नीचे, निकल गए हैं वापस घर की तरफ और अभी हम लोग अराउंड भवाली के आसपास हैं कहीं, एंड आज ही हम लोग पहुंचेंगे मथुरा वापस। एंड अभी ऑलमोस्ट बज रहे हैं शाम के 5:30 एंड यहाँ से हमको कम से कम 8 घंटे लगेंगे। भीमताल पहुँच चुके हैं हम और सामने है बड़ा सा भीमताल लेक, बहुत ही खूबसूरत यह नज़ारा है। और जो भी मौसम हो ना, आप भीमताल लेक पे अगर पहुँचेंगे तो ये आपको एक अलग ही वाव फैक्टर देता है, चाहे बरसात का मौसम हो, ठंड का हो या फिर धूप निकली हो, भीमताल लेक के पास आपको जो व्यू आता है वो बहुत ही लाजवाब आता है हमेशा ही। दोस्तों वेलकम टू भीमताल। चल दिए दोस्तों वापस घर की तरफ भीमताल से और अभी हल्द्वानी की तरफ बढ़ रहे हैं और ये खूबसूरत सा नज़ारा है हमारे सामने, बहुत ही लाजवाब ये दिख रहा है एंड वाकई मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। ये जो दोनों टाइम मिलते हैं ना, जब उस टाइम पर जो स्काई बनता है यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल होता है।
ये बन रहा था राइट। मैंने कहा भाई इसमें दो गाड़ियां खड़ी थी, मैंने बैग ले लिया अपनी पहले गाड़ी, मैंने जेट टूट सकता है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी और यहाँ पर लिया एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद हम लोग सीधे कंटिन्यूस जर्नी करने वाले हैं, तो यहाँ पर कुछ खाना पानी कर लेते हैं। तो दोस्तों अलीगढ़ तक तो पहुंच चुके हैं और अब हम ड्राइव करके सीधा घर पहुंचेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं चैनल की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।